हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश सहनी आज लेकर आए दोस्तों क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री में VVVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार पूछी जाती है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसको दोस्तों हम लोग बहुत ही आसानी भाषा से इसको सीखेंगे, अपने लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे इसको भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्कोहल का जो जलीय सोल्यूशन है, जो जलीय विलयन है, वह विद्युत का कुचालक क्यों होता है, सुचालक काहे नहीं होता है, क्या कारण है कि नहीं होता है। तो यही दोस्तों क्या चीज क्वेश्चन है कि अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है। तो अल्कोहल में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, अल्कोहल में सहसंयोजी बंध पाया जाता है जिसके कारण जब जल में डालने पर, अल्कोहल को जल डालने पर कोई भी आयन नहीं बनता है, जिसके कारण अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक होता है। नहीं समझ में आया दोस्तों, तो देखिए क्या चीज अल्कोहल है। मान लेते हैं कि अल्कोहल है C2H5OH, ये अल्कोहल है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल है। कि अल्कोहल में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि सहसंयोजी अबंध पाया जाता है, अबंध पाया जाता है। तो कह रहा है कि जब जल में डालते हैं तो इसका आयन जो होता है, जो इसका आयन होता है उसमें क्या क्यों जो इस जलीय विलयन का थी कुचालक क्यों हो जाता है, चालन क्यों नहीं करता। तो इसमें दोस्तों क्या कोई भी आयन नहीं बनता, आयन मतलब कोई भी जो है ऋणायन या धनायन, नहीं प्लस बनता है नहीं माइनस बनता है, कोई भी आयन नहीं बनता है जिसके कारण अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक होता है, जिसके कारण अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक होता है दोस्तों। तो बहुत ही दोस्तों क्या चीज था, आसानी भाषा में समझेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर देखिए दोस्तों ट्राई करते हैं एक बार और करेंगे, मगर इसको हम लोग समझ के ही रहेंगे। अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है, तो अल्कोहल में सहसंयोजी अबंध पाया जाता है, सहसंयोजी अबंध पाया जाता है। जब अल्कोहल को जल में डालने पर कोई भी आयन नहीं बनता है, जिसके कारण अल्कोहल का जलीय विलयन क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है दोस्तों, सुचालक नहीं होता है। ये दोस्तों क्या चीज दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग बहुत अपने भाषा में कैसे याद करेंगे, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कि अल्कोहल को जल में डालने पर कोई नहीं बने आयन, कि अल्कोहल को जल में डालने पर कोई नहीं बनाई आयन, कि जिसके कारण अल्कोहल के जलीय विलयन अरे हो जलई कुचालक, जिसके कारण अल्कोहल के जलीय विलयन हो जलई कुचालक। तो दोस्तों अल्कोहल सहसंयोजी बंध पाया जाता है, तो जल में डालने पर कोई भी आयन नहीं होता है, जिसके कारण अल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक होता है। फिर दोस्तों समझते हैं कि अल्कोहल को जल में डालने पर कोई नहीं बनाई आयन, कि अल्कोहल को जल में डालने पर कोई भी ना बनाई आयन, कि जिसके कारण अल्कोहल के जलीय विलयन अरे हो जलई कुचालक, कि जिसके कारण अल्कोहल का जलीय विलयन अरे हो जाए कुचालक। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि वर्ज्य अभिक्रिया किसे कहते हैं या ऊर्ज्य अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि वर्ज्य अभिक्रिया क्या है, ऊर्ज्य अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि हेलोल केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये दोस्तों वास्तव में पाया जाता है शुष्क ईथर, जिसको ड्राई इथर कहते हैं। हेलो अल्कोहल को शुष्क इथर की उपस्थिति में सोडियम
धातु के साथ संयोग कराने से अल्केन का निर्माण होता है। फिर समझ दोस्तों, हेलो अल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ संयोग कराने से अल्केन का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, हेलो अल्केन क्या चीज होता है? हेलो अल्केन, अल्केन का मतलब दोस्तों अल्केन समूह हो गया, CnH2n+2 का समूह हो जाएगा दोस्तों, अल्केन मतलब। जैसे इसमें से दोस्तों अगर कोई बॉन्ड जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्काइल के लिए यानी कि 1 हो जाएगा दोस्तों, और इसमें कोई एक बॉन्ड जुटेगा। तो हेलो, हेलो मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है, हेलो दोस्तों आते हैं तत्व आता है, हेलो हेलोजन तत्व, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, फिर कल बाहर आए नामिका, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, इसका ट्रिक जान सकते, ट्रिक समझिए दोस्तों, फिर कल बाहर आए नामिका, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, तो हेलोजन तत्व दोस्तों, हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, सोडियम का परमाणु संख्या 11 संकेत Na के साथ संयोग कराने से अल्केन का निर्माण होता है, यानी CnH2n का निर्माण होता है, यानी अल्केन ग्रुप का निर्माण हो जाएगा, और इस अभिक्रिया द्वारा कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है, और इस अभिक्रिया के द्वारा कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है, तो यही अभिक्रिया जो दोस्तों ऊर्जा अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि वर्ज अभिक्रिया कहलाता है। तो धातु के साथ कराएंगे दोस्तों, सुनेंगे दोस्तों गाना, हेलो कौन हम बोल रहे हैं, हेलो कौन हम बोल रहे हैं, तो हेलो अल्केन दोस्तों, हेलो अल्केन क्या कर रहा है, सोडियम से मिला रहा है, तो हेलो कौन पता नहीं चल रहा है, तो कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यानी कि अल्केन बोल रहा है, अल्केन का निर्माण हो रहा है। तो क्या चीज था दोस्तों, ऊर्जा अभिक्रिया था, इस अभिक्रिया में कार्बन की संख्या में वृद्धि होता है दोस्तों, अगर मान लेते कार्बन की संख्या 1 है, तो जब निर्माण होगा इस अभिक्रिया के द्वारा तो 2 को कार्बन हो जाएगा दोस्तों, कितने 2 हो जाएगा। तो ये दिया दोस्तों 2Cl3 सिंगल बॉन्ड Cl और 2Na, ये क्या चीज है, यही क्या चीज है, हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन मिथाइल में जुटा हुआ दोस्तों Cl, तो मिथाइल क्लोराइड हो गया दोस्तों, या इसको कह सकते हैं क्लोरो मिथेन भी कह सकते हैं, और सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है शुष्क ईथर के प्रेजेंटिंग में, तो क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 था, इसमें कार्बन संख्या 2 हो गया, 1-1-2 हो गया। ये दोस्तों कार्बन की संख्या का वृद्धि करने के लिए हम लोग ऊर्जा अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, जब मैग्नीजियम बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया प्रयोग किया जाता है, वर्ज अभिक्रिया के प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं, पहले हम लोग देखे दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सरल भाषा में समझ लिए, जो एग्जाम में याद रहे कम से कम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या होता है, जिसे बोलते हैं कृत्रिम जो मिठास होता है, जो मधुमेह जो कृत्रिम मधु होता है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जिसे इक से बनता है मीठा, तो उसी से दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या है, तो खाद्य पदार्थों को, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको, खाद्य पदार्थों को अधिक मिठास बनाने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है उसे आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट क्या है, यानी कृत्रिम मिठास क्या है, क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो खाद्य पदार्थ को अगर अधिक मीठा बनाना है, अधिक मिठास बढ़ाना है, तो उसको मिठास बढ़ाने के लिए जिस हम लोग रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिस केमिकल सब्सटेंस का उपयोग करते हैं, उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ क्या होता है, सेक्रिन भी आता है, जो ज़्यादा मिठास करना है, अगर शरबत घोरना तो सेक्रिन डाल दीजिए, मिठास हो जाता है, तो उसे तो दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है, ज़्यादा उपयोग करेंगे हम लोग मिठास बनाने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। अगला दोस्तों है प्रति अम्ल, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी एसिड क्या है, प्रति अम्ल किसे कहते हैं, इसको हम एंटी एसिड किसे कहते हैं, एंटी एसिड अंग्रेजी में कहते हैं इसको,
तो दोस्तों क्या चीज है कि प्रति अम्ल किसे कहते हैं, प्रति अम्ल क्या है, प्रति अम्ल किसे कहेंगे? तो देखा दोस्तों, खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में ऑयल की मात्रा यानी कि तेल की मात्रा, वसा की मात्रा, खाद्य पदार्थ में ऑयल की मात्रा अधिक उपयोग करने से, खाद्य पदार्थ में ऑयल की मात्रा अधिक उपयोग करने से एसिडिटी अधिक उत्पन्न होता है, कहाँ पड़ी, पेट में, गुड़ 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 गुड़। तो खाद्य पदार्थ में अगर ज्यादा हम लोग तेलीय पदार्थ खाता है तो हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है। इससे बैलेंस करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको नथी करने के लिए, इक्वल करने के लिए जिस मेडिसिन का, जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसे प्रति अम्ल कहते हैं या उसे एंटी एसिड कहते हैं। कि नहीं तो गुड़ ऊपर कर लगता था, खाते कभी कभी तो अचानक एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाता है शरीर में, तो लगता है जाइए गोदम हाली हाली, समझ रहे कहाँ जाएंगे, खाली स्थान। तो प्रति अम्ल दोस्तों खाद्य पदार्थ में ऑयल की मात्रा अधिक उपयोग करने से एसिडिटी अधिक उत्पन्न होता है। इसे बैलेंस करने के लिए जिस मेडिसिन का, जिस दवा का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग प्रति अम्ल कहते हैं। तो एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, इसको बैलेंस करना है, इसको इक्वल करना है, तो जिस दवा का उपयोग करेंगे, जिस मेडिसिन का उपयोग करेंगे उसी को हम लोग प्रति अम्ल कहते हैं। जैसे दोस्तों एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जिनटेक, जिनटेक एक एंटी एसिड है, जिनटेक एक एंटी एसिड है, इसका यूज यानी इसका उपयोग हम लोग एसिडिटी को बैलेंस करने में करते हैं। तो प्रति अम्ल किसको बैलेंस करता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो एंटी एसिड को, देखिए लिखा हुआ है दोस्तों एसिडिटी को, एसिडिटी को एंटी एसिड जो है उसको इक्वल करती, उसको बैलेंस करती है, कौन को दोस्तों, प्रति एंटी एसिड करती है एसिडिटी को। तो चलिए दोस्तों ये किचन था क्लास 12 का इंटर के लिए VVVVI सब्जेक्ट की किचन था 2024 के लिए। अच्छा लगा दोस्तों तब के लिए दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।